आपने लिख लिया था? वैसे तो ये मैं आपको दूंगी, बेनिफिट्स ऑफ रेकी क्या है। बेनिफिट्स रेकी के यही है कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जुड़ते हैं, हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ते हैं, आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, हर तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। सही मायने में तो देखिए, जब आपको डॉक्टर जवाब दे देता है ना, बेसिकली तो आप ये समझिए कि जब आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया तभी रेकी, आप वहां से आप अपना रेकी शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनका कीमोथेरेपी है लेकिन वो कीमोथेरेपी पे नहीं जाते हैं, वो साइकिक सर्जरी हम उनको कराते हैं और फिर उसके बाद उनको रिजल्ट। लेकिन उसके लिए उनका डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, करने वाले का डिटर्मिनेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, कराने वाले का, दोनों की बहुत हाई एनर्जी होती है तभी वो काम करेगा। अगर कराने वाले को डाउट आ गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या करने वाले को डाउट हो गया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी कर लो। तो बेनिफिट रेकी का यही है कि आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है, इनर पीस आपको देता है, हार्मनी आपको देता है। जो भी इतने सालों, इतने जीवन से, मैं तो कहती हूँ जन्मों से चले आ रही, जो आपके जीवन में कॉर्ड्स लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा भरी पड़ी है। कई बार हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं वो हमें अपनापन सा, अपना सा लगता है। कई बार हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, उसको देख के हमको बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी हमारी कॉर्ड्स होती हैं, वो सारी कॉर्ड्स को कैसे हमको कट करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये सब कुछ हमको रेकी से हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम रेकी करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, आभा मंडल। आभा मंडल की, आभा मंडल हमारा जो कि, और आभा मंडल क्या होता है, जो हमारे क्लीनिंग हम जो करते हैं अपने आभा मंडल की सफाई, जो हमारा ऑरा, इसको हम बोलते हैं ऑरा। हर चीज का अपना ऑरा होता है, ऑरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब अदर वे में हम उसको लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हर चीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी की लंबा ऑरा होता है, किसी का छोटा ऑरा होता है, 3 फीट से लेकर 7 फीट तक ऑरा हो सकता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो 3 फीट होता है, और अगर 3 फीट से कम ऑरा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बीमार है। नॉर्मल व्यक्ति का ऑरा 3 फीट होता है, उसके बाद कितना भी बड़ा हो, जैसे मैंने बताया था साधु संत महात्मा का ऑरा इतना बड़ा होता है, जब आप वहां जाते हैं तो आप सब लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। कोई फिल्म स्टार आ जाएगा, उसका भी ऑरा बड़ा होता है। आपको पता है फिल्म स्टार कितनी मेहनत करते हैं, रोज मेडिटेशन के ऊपर, अपने खाने के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, ये सब चीजें हमारे ऑरा को स्ट्रोंग करती हैं। पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, ये सब चीजें हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, अब आभा मंडल भी हमारे, जो हमारा शरीर है वो हमारे 5 तत्वों से बना है। सबको पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ठीक है, आपको पता है एक होता है पृथ्वी, पृथ्वी को आप पृथ्वी मतलब आभा मंडल की सफाई आप पृथ्वी से कैसे, ये तीनों, पांचों की पांचों चीजें हमारे ऑरा को क्लीन करने में हमारी को हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी स्नान। पृथ्वी स्नान आपको पता है, जो मिट्टी में दबा कर, आप कहीं कहीं ऐसे संस्थाओं में जाओगे वहां पर आपको मिट्टी के अंदर दबा कर, मतलब पूरा मिट्टी को खोदते हैं और फिर आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर आती है। सिर्फ नैनीताल में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर आपका इतना इतना बॉडी नजर आती है और वो पूरा आप मिट्टी के अंदर आपकी बॉडी को डाल देते हैं, और वो काफी मतलब जैसे आधा घंटा 15 मिनट जो भी उनका टाइम होता होगा, उतनी देर वहां पे आप बैठते हैं, उसे आपको वो मेडिटेशन करवाते हैं, रिलैक्स कराते हैं, मिट्टी के अंदर बाकी उसको बोलते हैं मिट्टी स्नान। वो भी हमारे ऑरा को क्लीन करता है। आपने देखा है ये जितने भी हम लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, ये सारे हमारे को धरती के अंदर से मिलते हैं, कि कुछ की तो चट्टाने भी होती हैं अंदर दबे हुए होते हैं मर्ड के अंदर, मिट्टी के अंदर उनको निकालते हैं। आपको पता है जब हम क्रिस्टल्स, जो हम क्रिस्टल जो हम चार्ज करते हैं, जब हम आए क्रिस्टल्स को भी हम 5 तरीके से चार्ज करते हैं, उसको भी हम मिट्टी के अंदर, जो समुद्री मिट्टी होती है ना, अगर किसी के घर के आसपास समुंदर हो, वहां से समुद्री मिट्टी लेकर आओ और उस मिट्टी में दबा दो, तो आपके क्रिस्टल ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं। और अगर समुद्री मिट्टी नहीं है तो आपके जैसे गमले हैं, गमलों के बिल्कुल नीचे, मतलब बहुत गहराई, जो जैसे 6 फिट नीचे की मिट्टी निकाल के उस मिट्टी से भी
आप अपने क्रिस्टल्स वो मिट्टी निकाल के गमले में अंदर रखोगे और उससे अभी आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो। वो एक तरीके से मिट्टी स्नान है, हम भी उसी तरीके से अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नॉर्मली सब जगह पे नहीं होता है। इसका जो एक जगह है वो नैनीताल है, मुझे सिर्फ नैनीताल का पता है, और भी कहीं होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नैनीताल का पता है। वहां पर इस तरीके से मिट्टी से लोगों को वो करा, उनके इलाज किए जाते हैं इस तरीके से, उनको वहां पे दबा के और उनके ऑरा को क्लीन करके और फिर उनके इलाज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारा होता है जल। जब आप देखते हैं कभी आप बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं, आप सीधा नहाने चले जाते हैं और नहाने के बाद आपको लगता है आप एकदम फ्रेश फील करते हैं, है ना। नहाने के बाद आप एकदम फ्रेश फील करते हैं तो क्यों? क्योंकि जल से भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। जल भी एक सूत्र है हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए। अग्नि, अग्नि स्नान किसी को पता है क्या होता है? अग्नि स्नान किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिखो, पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता अग्नि स्नान? अच्छा, जब हम अपने घर में मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम दिया जलाते हैं, तो वो अग्नि स्नान ही होता है। हम जब भगवान की पूजा ऐसे कर रहे होते हैं तो आप देखिए वो हमारे ऊपर से भी वो उतर रहा होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, टेंपल के अंदर या कहीं भी, जब भी हम इस तरह आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो हम जब भगवान की आरती कर रहे होते हैं तो वो एक तरफ हम भगवान की कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो हमारा भी हो रहा होता है, तो वो हमारा भी वो अग्नि स्नान होता है। कई बार आप देखें कि जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहे हो, ठीक है ना, हम लोग वो धुनी देते हैं, जो धुनी अपने ऑरा की सफाई के लिए, वो भी तो हम जलाते हैं ना, फिर उसके बाद हम उसे पूरे अपने शरीर को धुनी देते हैं, घर को भी धुनी करते हैं। सेज अगरबत्ती का हम सबसे ज्यादा, सेज को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास सेज नहीं भी है ना, वैसे तो सेज ही हम यूज करते हैं, बेस्ट तो वही है, और वो भी जो कैलिफोर्निया सेज होते हैं, बेस्ट वही वही बेस्ट है। इंडियन सेज भी आप यूज कर सकते हैं, इंडियन सेज थोड़ी सस्ती पड़ती है, कैलिफोर्निया थोड़ी सी कॉस्टली आती है। उसके अलावा अगर आपके पास में अभी नहीं अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल जो आपके घर में अगरबत्ती होती है उसको जलाएं और अपना ऑरा को क्लीन कर लें। आपको लगता है कि आप परेशान है, डिस्टर्ब है, घर के बाहर से आए हैं, नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, बस सिंपल उसको जलाएं और पूरा अपना ऑरा क्लीन कर लें। अगरबत्ती भी ना हो तो धूप होती है, जो धूप वाली पतली वाली, जो उसको ऐसे ऐसे करके बंदी लगाते हैं, वो भी उससे भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कई बार आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं, लोग अपनी रेहड़ियों पे इतने मोटे मोटे जला के उसको लगाते हैं, और जब आप वहां से जाते हैं तो कितनी अच्छी सी आपको फ्रेग्रेंस फील होती है, मतलब कितना अच्छा सा एक जो एटमॉस्फेयर होता है वो कितना अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अग्नि स्नान। इसी तरीके से हमारा आकाश स्नान होता है। आकाश स्नान जो हम बाहर वॉक करते हैं, जब हम सुबह बोलते हैं ना सुबह जाओ वॉक करो, वॉक करने से भी हमारा और अच्छा होता है। कई बार हम घर में बैठे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं या टेंशन हो रही है, डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो हम बाहर चले जाते हैं थोड़े देर के लिए वॉक करने के लिए। वहां से ताजो हवा हमारे को मिलती है तो फिर हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारा आकाश स्नान होता है। वायु स्नान जो हम सांसों के ऊपर काम करते हैं, खुली हवा में बैठ के जो हम सांस लेते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू करते हो, आप देखोगे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। तो ये हमारे पंच तत्व से हमारा शरीर बनाया है, और पंच तत्व से किस प्रकार से हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ये सारा हम ये पांच उसके तरीके हैं। उसके बाद आज से हमारा आभा मंडल, जो हम अभी हम जो रेखी में अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने आभा मंडल को साफ करनी, सफाई, इसको हम बोलते हैं आभा मंडल की सफाई। अच्छा चलिए,